आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 4 से 6 अगस्त के बीच होगी। 6 अगस्त को आरबीआई रेपो रेट में बदलाव का फैसला करेगी। क्या इस बार पॉलिसी में फिर से आरबीआई ब्याज दरों को घटाएगा या फिर इनमें कोई बदलाव ही नहीं करेगा? क्या कह रहे हैं देश और दुनिया के दिग्गज रिसर्च एजेंसियों के अनुमान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मंगलवार से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू होने जा रही है। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक के बाद रेपो रेट में बदलाव का फैसला होगा। रेपो रेट के घटने या बढ़ने से बैंकों की ब्याज दरों में भी बदलाव होता है, जिसका सीधा असर कर्ज की ईएमआई पर आता है। कोरोना काल में जिस तरह से अर्थव्यवस्था में कोहराम मचा है, उसके लिए उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई एक बार फिर रेपो रेट को घटा सकता है। अगर अलग अलग एजेंसियों की माने तो बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि आरबीआई रेपो रेट में 6 अगस्त को मौद्रिक नीति समीक्षा में 0.25% कटौती कर सकता है। अक्टूबर में फिर रेपो रेट 0.5% घटाने का अनुमान इस रिपोर्ट में जताया गया है। वहीं स्विट्जरलैंड के यूबीएस का कहना है कि आरबीआई 2020 से 2021 में अभी रेपो रेट को 0.5% और घटा सकता है। आईसीआरए ने भी 6 अगस्त को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती का अनुमान जाहिर किया है। दरअसल अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ाने के लिए अक्सर दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को घटाने के कदम उठाते हैं। इससे लोन की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि लोन लेकर लोग घर खरीदते हैं, कारोबार शुरू करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। इसी खरीदारी से इकोनॉमी का रुका हुआ पहिया चलने लगता है और माहौल बदलते देर नहीं लगती, जिससे इकोनॉमी फुल स्पीड से दौड़ने लगती है। लेकिन इस कटौती के लिए महंगाई का कंट्रोल होना भी जरूरी है। इस बार ये महंगाई दर ही आरबीआई के फैसले के सामने ब्रेकर बनकर आ सकती है। इसी को देखते हुए एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट इको रैप ने आरबीआई के रेपो रेट में बदलाव न करने का अनुमान लगाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी से रेपो रेट 1.15% कम किया गया। बैंकों ने भी ग्राहकों को नए कर्ज पर 0.72% कटौती का फायदा दिया है। कुछ बड़े बैंकों ने 0.85% तक ब्याज दरें घटाई हैं। ऐसे में इको रैप का मानना है कि एमपीसी की बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि मौजूदा हालात में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए और क्या गैर परंपरागत उपाय किए जा सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि आरबीआई ने नीतिगत मकसद को पाने के लिए आगे बढ़कर नकदी को एक माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों ने फाइनेंशियल एसेट्स रखने को प्राथमिकता दी है, इससे देश में वित्तीय बचत को बढ़ावा मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2021 में वित्तीय बचत में इजाफा होने का अनुमान है। इसकी एक वजह लोगों का एहतियाती उपाय के तहत बचत करना भी है। आज तक ब्यूरो। मैन्युफैक्चरिंग को देश की इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है। इसी बैकबोन को मजबूत करने के लिए गर्मियों में आए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बाद अब मॉनसून में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर राहतों की बरसात कर रही है। देश में निवेश के लिए माहौल बनने से आई फोन और सैमसंग ने भारत में प्लांट्स लगाने का ऐलान किया। इसी के साथ घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए चीन पर निर्भरता लगातार घटाई जा रही है। देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए कमर कसकर तैयार है। इसके लिए सरकार ने चीन की नकेल कसने और भारत में लगातार रियायतों का पिटारा खोलकर बड़ी मदद की है। भारत में निवेश के लायक माहौल बनने से पहले बड़ी सफलता तो हाल ही में सऊदी अरामको को पछाड़कर दोबारा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी एप्पल की तरफ से आई है। सरकार के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI कार्यक्रम के तहत देश विदेश की करीब 22 कंपनियों ने देश में 5 साल में 11 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग के प्रस्ताव पेश किए। इससे करीब 3 लाख लोगों को डायरेक्ट और 9 लाख लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। इनमें ताइवान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों में सैमसंग, फॉक्सकॉन, होन हेई, राइजिंग स्टार, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन शामिल है। फॉक्सकॉन, होन हेई, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन कॉन्ट्रैक्ट पर एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करती है। AT&S, एसेंट सर्किट्स, विजिकॉन, वॉल्सिन, सहस्त्रा, विटेस्को और नियोलिंग ने भी अपने प्रस्ताव सौंपे हैं। लावा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, माइक्रोमैक्स, पेजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सोजो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी भारतीय कंपनियों ने भी PLI के तहत आवेदन किया है। मोबाइल फोन की ग्लोबल बिक्री में एप्पल की हिस्सेदारी 37% और सैमसंग की 22% है। मंजूरी मिलने के बाद देश के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कई हजार करोड़ के निवेश का अनुमान है। अभी सरकार को इससे 45,000 करोड़ के प्रस्ताव मिल चुके हैं। PLI योजना से देश में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। हमारी कोशिश थी कि दुनिया के हम
ग्लोबल इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का हिंदुस्तान बुलाए और भारत की भी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उनको भी आगे बढ़ने का अवसर दें। देयरफॉर वी केम विद द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्रोग्राम वेयर बाय वी आर गोइंग टू गिव इंसेंटिव फॉर 5 years बोथ टू द ग्लोबल कंपनीज एंड टू द इंडियन कंपनीज। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ये सरकार के लिए बड़ी सफलता है, लेकिन मोबाइल के साथ साथ भारत अब चीन की तरह मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए तैयार है। इसके लिए जो दूसरे कदम उठाए गए हैं उनमें शामिल है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिए जाने वाले PLI को 12 और सेक्टर्स में बढ़ाया जा सकता है। चीन से आयात किए जाने वाले 8,000 से ज्यादा आइटमों की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने की तैयारी, टीवी के आयात पर प्रतिबंध लगाकर घरेलू इंडस्ट्री को मदद मिलने की उम्मीद, इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ने का अनुमान है। बल्क ड्रग में चीन पर निर्भरता खत्म करने के लिए सरकार ने फार्मा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अब सरकार जल्द ही एक और राहत पैकेज भी ला सकती है। मैन्युफैक्चरिंग कारोबारियों का मानना है कि सरकार ने योजनाओं का तो पिटारा खोल दिया है, लेकिन जिस MSME सेक्टर को इन रियायतों का फायदा मिलना चाहिए उस मकसद में सरकार नाकाम साबित हो रही है। जाहिर है कि अगर रोजगार के मामले में सबसे ज्यादा योगदान करने वाले MSME की अनदेखी दूर नहीं की गई तो फिर मैन्युफैक्चरिंग के मैजिक के बूते इकोनॉमी को बढ़ाने का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा। आज तक ब्यूरो बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।